तबीयत खराब है फिर भी दोस्तों मम्मी कर रही है, अब क्या करेंगे। हम जो थोड़ा सा भी करते हैं तो बस फिर दर्द चालू हो जाता है इधर उधर, कोई भी काम में मन नहीं लगता है। हमें तो मन होता है कि मर जाए, क्या करें करेंगे दोस्तों। बहुत घर में थोड़ा सा भी अच्छा है नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो जो कार्तिक मन्ने के वीडियो दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग हम दिखाएंगे दोस्तों कार्तिक की तबीयत खराब है, इस वजह से वो क्या खा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग वीडियो में बने दोस्तों, आप लोग को हम दिखाते, तो आप लोग वीडियो में बने। क्या बताएं आप लोग को, रात में भी 3-4 बार दिन खटखट टूटता है, डर भी इतना ज़्यादा होता है ना कि मत पूछिए। अभी आप देखिए भांजी अपना घर वगैरह सब बहा रही है, अब जगह है और इसको जगाए वहाँ पर देखिए भांजी खड़ी हुए। बाबू बर्तन से दे दो कर नलका पे, ऐसे क्या बताएंगे। ऐसे तो अब बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि तबीयत खराब है फिर भी खेत जाते हैं मकई काटने के लिए, ऐसे वैसे बहुत सारे आदमी के मुँह से सुने भी, अब क्या करेंगे दोस्तों। बहुत घर में थोड़ा सा भी अच्छा है नहीं लगता, इसलिए खेत चल जाते हैं तो मन डर रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी घर पूरा लगता है कि देखिए लग रहा है घर में कोई है ये ही नहीं है, पूरा सोना सना सा लग रहा है। मम्मी देखो वहाँ पे से गोबर ला के बारी में जाके दे रहे, जो कि मम्मी जी का तबीयत खराब है फिर भी दोस्तों मम्मी कर रही है, अब क्या करेंगे। हम जो थोड़ा सा भी करते हैं तो बस फिर दर्द चालू हो जाता है इधर उधर, इसलिए ज़्यादा ऊँचे अपने पूरा समतल वाला खराब वाला काम अपना से कर लेते हैं, बाकी बात नहीं होता नहीं करते हैं। अभी पोछा झाड़ू वगैरह सब भी भांजिए सब लगाएंगे। और दोस्तों घर भी देखिए कितना ज़्यादा सोना लग रहा है, देख सकते हैं, मतलब क्या बताएं आप लोग को, अच्छा थोड़ा सा भी नहीं लग रही है, थोड़ा सा भी मन होता है क्या करे क्या नहीं। इतना डुबात के लिए इतना त्याग, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे कितने दीदी भैया सभी बोले कि आप इतना डुबात में उनके सिवा हमको कौन है। बात तो कितना अच्छा बोले कि आप चले जाइए घर, और कितने बोलते कि नाटक है, नहीं भैया नाटक नहीं है। और हमारे घर एक दीदी भैया कल आए थे मिलने के लिए, जो कि अभी हम किसी से नहीं मिलते क्योंकि हमारे हस्बैंड जी घर में अभी है नहीं, इसलिए दोस्तों फिर भी आई दीदी तो बैठी, अब क्या करते थे, बहुत दूरी से आई थी तो रह गए रात में और अभी तक सोई हुई है। जगेगी तो फिर आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी घर में बैठे हैं, वो सब अभी सोई हुई है। और अभी रात में क्या बताएंगे दोस्तों, उस रोज़ तो आप लोग को बते हुए कि फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा क्या हो गया है पता नहीं, बहुत मतलब लगता है कि आप क्या करें क्या नहीं, इतना मतलब दिमाग ख़राब हो गया ना, इतना दिमाग ख़राब हो गया कि मत पूछिए आप लोग। जो कि आप लोग देख भी किए हैं दीदी कभी पेमेंट है तो वो वीडियो बनाए थोड़ा, उस रोज़ जिस रोज है ना उसी रोज बनाए थे दीदी सब वीडियो डाल दी थी और हम नहीं डाल पाए थे उस रोज, क्या कहते हैं जिस रोज वो गए थे, हम तो सोचे तुरंत आज आ जाएंगे तो उस रोज खुशी थे, लेकिन आज 2 रोज से थोड़ा सा भी खुशी नहीं आ रहा है। बार बार रात जगे रहते हैं, कॉल करते रिसीव नहीं करते हैं, और भांजा तो मोबाइल ही नहीं लेके गया है, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं दोस्तों, अब बता कैसे बता पाएंगे आप लोग। सब काम कोई भी काम में मन नहीं लगता है, हमें तो मन होता है कि मर जाए क्या करें। एक रोज आप लोग देखिए कि कैसे बोले थे कि पति का इज्जत नहीं करते हैं, बताइए दोस्तों आप लोग जो हमारे घर आते होंगे और सब चीज़ देखते होंगे कि हम किस तरह करते हैं उनको क्या करते हैं। ऐसे तो सब हर एक इंसान में, हर एक भाई बहन माँ बहन माँ बेटी सब में लड़ाई होते हैं, सब बात नहीं है किसी में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो सब में होते हैं। अभी थोड़ी ना कि इज्जत नहीं करते, पति है तो हम आपको नहीं बोलेंगे तो हम किसको जाएंगे बोले, हमको और कोई है थोड़े ना है, हम कहीं भी जाके अपना हम दिमाग दिल साफ कर लें, कुछ भी बोलेंगे कुछ भी शेयर करेंगे तो आप ही से शेयर करेंगे ना दोस्तों। हम यही बोलेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अभी हमको बहुत मेरा हाल खराब है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है अभी भी, और वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या बताएं आप लोग को। आप लोग को दोस्तों हम कुछ देर में जो है ना बहुत पापा के मोबाइल से कॉल करेंगे तो फिर आप लोग को रिकॉर्डिंग जरूर सुनाएंगे, देखिएगा किस तरह बोलते हैं, या इसी से अगर जब हो जाए तो वीडियो कॉल उठा ले तो फिर आप लोग को दिखाएंगे।
बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान, जो कि आज 1.5 साल से कभी भी नहीं गए थे छोड़ के अकेले। जहाँ भी जाते थे तो लेके जाते थे, घूमने भी गए थे तो आप लोग देखे के थे दोस्तों कि लेके गए थे, और कहीं भी जाते थे कहीं भी, यानी तो इधर उधर जाते थे तो शाम में घर चले आते थे तो ठीक रहता था। अभी तो लग रहा है कि पूरा कहाँ चल गए, नहीं चल गए, कुछ भी समझ में नहीं आता, और बोल के भी नहीं गए। अच्छा से बोल के जाते हैं ना तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं होता है कि चले भाई कोई दिक्कत नहीं है, भले चल गए, अब कोई काम होंगे इसलिए, और झगड़ा करके जाते, कोई बात में जाते हैं बहुत दिक्कत होता है, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, और सही से आप कॉल नहीं उठाइएगा, कॉल नहीं रिसीव कीजिएगा तो कितना मन में तकलीफ होगा, क्या बताएं दोस्तों। सही में इस तरह का जिसके ऊपर बीतता होगा ना वही उन्हीं को पता होगा, और दूसरा क्या जाने। ऐसे तो मजाक उड़ाने वाले इंसान बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ बीत रहा बोल नहीं, घर का बात नहीं बोलना चाहिए। जब सब दिन से आप लोग को घर का बात शेयर किए हैं आप लोग से, तो किसे जाएंगे हम शेयर करने, आप ही लोग से शेयर करेंगे ना। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। चलिए खैर देखते हैं, फिर कोशिश करेंगे, कॉल करेंगे, कॉल करना तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम पत्नी हैं तो हम उनके आगे हार जरूर मानेंगे दोस्तों। जब मेरी से गलती हुई होगी तो हम जरूर क्षमा मांगेंगे, तो फिर आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आरती का कॉल जो कोई मैंने नहीं उठाया दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तब के लिए बाय बाय, और इसी तरह आरती अमोनिक वीडियो आप लोग भेजाते रहे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।